ज्योतिषाचार्य पंडित शंभुनाथ शर्मा के पूर्व स्मारक ग्रंथ ज्योतिष का विमोचन हुआ। भारतीय कालगणना और ज्योतिष परंपरा को वैश्विक स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त हुई, जिसका बहुत बड़ा श्रेय काशी के ज्योतिषी परंपरा को है। इसमें भी काशी के अयोध्यानाथ शर्मा की प्रमोद पाठशाला का 400 वर्षों का बड़ा योगदान रहा है। विश्वसनीय ज्योतिष से परंपरा को आगे बढ़ाया देवाम्य ज्योतिषाचार्य पंडित शंभुनाथ शर्मा जी ने, जिसे आगे बढ़ा रहे हैं पंडित उमंगनाथ शर्मा जी और काशी के अन्य ज्योतिषाचार्य। इस परंपरा के संरक्षण और उन्नयन का दायित्व काशी की नई पीढ़ी के अध्येताओं पर है। उपरोक्त विचार काशी के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य व विशिष्ट जनों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महमूरगंज स्थित वंशीवट बैंक्वेट हॉल में आयोजित समारोह में व्यक्त किए। अवसर था देवात्मय ज्योतिषाचार्य पंडित शंभुनाथ शर्मा जी के पूर्ण स्मारक ग्रंथ ज्योतिष के विमोचन व उनके तैलीय चित्र अनावरण का। मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलन के साथ तैलीय चित्र का अनावरण व पुस्तक का विमोचन अतिथियों ने किया। यह पुण्य कार्य प्रयाग से डिजिटल भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र न्यायमूर्ति पंडित गिरधर मालवीय ने किया। समारोह में उपस्थित अतिथियों ने इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि पूज्य शर्मा जी ने मुझे कहा था कि तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम नेतागिरी करोगे। उस वक्त मैं बालक का ऐसा सोच भी नहीं सकता था, पर यही नहीं, उन्होंने जब जब जो कुछ भी भविष्यवाणी की सब सच निकली। ज्योतिषाचार्य पंडित उमंगनाथ शर्मा ने अपने पूज्य पिताजी पंडित शंभुनाथ शर्मा व पंडित उपाध्याय शर्मा का स्मरण करते हुए कहा कि मैं उनके दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ, ज्योतिष ज्ञान छोड़ रहे इसका हर संभव प्रयास करूंगा। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य के लिए पंडित शंभुनाथ पूजा, पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, डॉक्टर नागेंद्र पांडे, पंडित ढूंढीराज पर्वतीय, पंडित विकास दीक्षित, पंडित युगल किशोर चौबे, पंडित विश्वनाथ झा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व कुलपति वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने कहा कि ज्योतिष के क्षेत्र में पंडित उमंगनाथ शर्मा उनके पिता व पितामह का नाम अमर रहेगा। उन्होंने ज्योतिष ज्ञान विज्ञान को असुन रखने और अपने पितरों के लिए जो कार्य किया है वह अनुकरणीय है, स्तुल्य है। प्रारंभ में परिवार के सदस्य सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंडित धीरेन्द्रनाथ शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष वाराणसी विकास समिति के सचिव राजेंद्र कुमार दुबे तथा आभार प्रकाश कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष लोकप्रिय नेता पंडित प्रजानाथ शर्मा ने किया। गुरु जी हमारे ज्योतिष के साथ साथ काव्य रचना और कविता रचना, श्लोकों की रचना करते थे, लेकिन वो सब गुप्त थी। वह मैंने गुरु जी ने एकत्रित किया और उसको हम लोगों ने प्रकाशित कराया। यह और गुरु जी ने जितनी विदेश यात्राएं की, जिन बारे में उन लोगों ने लिखा, उन सबका लिखा हुआ सारा संस्मरण इस पुस्तक में दिया गया है। लोगों को कितना फायदा होगा पुस्तक से? हमारा समाज का फायदा। मैं पुस्तक को बिक्रय के लिए नहीं रखा हूँ, यह पुस्तक मैं निःशुल्क दे रहा हूँ ज्योतिष भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए। ज्योतिष कितना फायदा होगा? बहुत लाभ होगा ज्योतिष के, लोगों के एक नई ऊंचाई मिलेगी, एक नया कार्य मिलेगा उनके लिए।